अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्जा हमजा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन जुमा कैसा रहेगा, 27 मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद का एतमाद काफ़ी ज़्यादा बहार रहेगा। समाजी हालात काफ़ी ज़्यादा महदूद होंगे लेकिन अपने दोस्तों के साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। निजी ज़िंदगी के हवाले से आपको बिल्कुल भी कोई मसला दरपेश नहीं होगा। मुस्तकबिल आपके हालात में काफ़ी ज़्यादा हम आहंगी लाएगा। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अपने मकसद को हासिल करने के लिए अभी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सब्र से भी काम लेना होगा। बुरज सौर, इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने साथी की ज़रूरियात को लेकर काफ़ी हसास होंगे। आपकी निजी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर हम आहंगी रहेगी। कारोबारी लिहाज से अभी ज़िंदगी थम जाएगी। इन दिनों अपने कारोबार को शुरू कर देना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथियों के साथ आपके तलुकात मजबूत होना ही आपको अंदरूनी एतमाद फराहम करेंगे। माली लिहाज से आज आपको मशवरा दिया जाता है कि इन दिनों में किसी भी किस्म के मामलात को फ़रोग ना दे तो ही आपके लिए अच्छा है। जहां तक मुमकिन हो पैसों का इस्तेमाल कम करें, ये आपके बजट में काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। फजूल खर्ची से गुरेज करें वरना आप परेशान हो सकते हैं। बुरज जौजा, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो अभी ये वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि हालात आपके हक में बेहतरीन साबित नहीं होंगे और आप जो भी मंसूबे बनाएंगे वो आज आपके लिए मसले खड़े करने का सबब ही बनेंगे। वो दोस्त जो के आपको काम शुरू ना करने का मशवरा दे रहे हैं वो यकीनी तौर पर आपसे मुखलिस हैं। दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ बिगड़े तलुकात आज बेहतर होने के अम्कानात हैं। सेहत के हवाले से बिल्कुल भी मामला को नज़रअंदाज ना करें। अपने बाकी लोगों का भी ख़ास ख्याल रखें। बुरज सरतान, आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपनी सेहत को लेकर जो भी इकदाम करते हैं इससे बढ़कर इन दिनों इकदाम करने की ज़रूरत पेश आएगी। जहां तक मुमकिन हो अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें और मोहतात तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। माली लिहाज से आज का दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को काफ़ी मोहतात रहने और सरमायाकारी को सही सिमत में लगाने का मंसूबा बनाना चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों आप जो भी सरमायाकारी करेंगे वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी। वो अफराद जो के काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आज उनको एक रास्ता मिलेगा। मोहब्बत के मामलात में आप मामूल से ज़्यादा खुश होंगे। बुरज असद, मोहब्बत के मामलात में आपके मामलात काफ़ी पुरसकून रहेंगे। लोगों की जानिब से माजी में आपने जो भी बातें की थीं उनको नज़रअंदाज करें और अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ें। इस बुरज से मुंसलिक अफराद को मशवरा दिया जाता है कि अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में मियाना रवि इख्तियार करें।
आज के दिन खानदान और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने को तरजीह देंगे। बुरज सुमला। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद की जिंदगी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुतासिर हो सकती है। साथियों और दोस्तों के साथ कुछ तनकीदी मामलात को फ़रोग देंगे। निजी ज़िंदगी के हवाले से आप एक ख़ास पोजीशन को हासिल कर लेंगे। वो अफराद जो के शादी के मुंतज़िर हैं उनके लिए ये वक्त ठीक नहीं है। आप थोड़ा इंतज़ार कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। माली लिहाज से आज के दिन आपको ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ सकता है। माली लिहाज से मुनाफा हासिल करने के लिए सारी हकीकतों को जानने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचें। बुरज मिजान। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद मोहब्बत के मामलों में कुछ मसाइल का सामना करेंगे। घरेलू ज़िंदगी में काफ़ी बहस मुबासों का सामना करना पड़ सकता है। आपको मशवरा दिया जाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करें, तब ही कोई फ़ैसला करें। माली लिहाज से ये हालात आपके लिए मुश्किल हालात सामने खड़े कर सकते हैं। जो भी सरमायाकारी करेंगे इसमें काफ़ी सारे ख़तरों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ तक मुमकिन हो अपने अखराजात में कमी लाने की कोशिश करें। वो अफराद जो के कर्जे के बोझ तले हैं आज उनको अपने कर्जे को चुकाने का मौका मिलेगा। बुरज अकरम। इस बुरज से मुंसलिक अफराद को इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरतेहाल का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। सब्र और तहम्मल के साथ काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना आपको बेहतर महसूस करने में मदद फराहम करेगा। मोहब्बत के मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। इस बुरज से मुंसलिक अफराद में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मसाइल में सब्र और तहम्मल के साथ काफ़ी मामलों को सर अंजाम देंगे। लोगों के सामने कुछ मसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा वजाहत देना आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बुरज कौस। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद काफ़ी समझदारी के साथ फ़ैसलों को सर अंजाम देंगे। एतमाद अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज ना करें, वरना आपके मसलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। आज के दिन आप पे ये चीज़ लाजिम है कि मुकम्मल तौर पर अपने साथी के साथ रहम दिली का मुजाहिरा करें, और यही वजह है कि आज आप अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपनी मुस्बत हिस को जगा कर खुद को मजबूत करें, ये आपके लिए मुस्तकबिल में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बुरज जद्दी। आज के दिन इस बुरज से मुंसलिक अफराद को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका हल ढूंढना फौरी तौर पर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। साथियों के साथ मशवरे मामलात को आज एक अलग रुख से देखेंगे, और कहीं ना कहीं इनसे आज आपको मदद भी हासिल होगी। सेहत के हवाले से अगर आपको कोई भी जिस्मानी तब्दीली महसूस होती है तो फौरन डॉक्टर के साथ रابطہ करें। इसको नज़रअंदाज ना करें, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इस बुरज से मुंसलिक अफराद जो कि अपनी ज़िंदगी में गुस्सों के बीज बो रहे हैं, ये याद रखें उनको बाद में वही फसल काटनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप बाद में पछताएं, इसीलिए नरम दिली का मुजाहिरा करें। बुरज दिलू।
आज के दिन इस बुरत से मुंसलिक अफराद ये वक्त काफ़ी अच्छे तरीके से गुजारेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के तमाम पुराने तनाज़ात को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और आज का दिन भी इसी सिलसिले में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सेहत के हवाले से आपको बिल्कुल भी लापरवाही का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। तमाम हिफाजती असूलों को अपनाने का मशवरा दिया जाता है। माली लिहाज से इसमें कोई शक नहीं है कि आपके लिए आज काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि ये वक्त सब लोगों के लिए ही मुश्किल होता है। जो लोग हिम्मत करेंगे वही लोग आज आगे की जानिब बढ़ सकेंगे और आज आपको अपने मामलात में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। बुरज हौद। बुरज हौद से मुंसलिक अफराद को आज मशवरा दिया जाता है कि अपने सेहत के मामले में लापरवाही से काम ना लें। मुश्किल सूरतेहाल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे मंसूबे बनाएं तो आप मुस्तकबिल में कामयाबी को हासिल कर लेंगे। कारोबारी लिहाज से आज के दिन काफ़ी ज़्यादा तंगी आ सकती है। आज आपको अपने मामलात में लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। अपनी तमाम बुरी आदत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करें। माली लिहाज से आज मामलात आपके लिए बेहतर रहेंगे। गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलना बंद कर दें, ऐसा करना आपके लिए ही बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।